मैं एक दो बार रिएक्ट कर दिया उसको, सुमित मैंने कहा हाँ मुझे बुला रहे हो क्या? फिर पता चला वो ऑन कर दो, बहुत ही जंगली स्टार कास्ट है, अभी ये स्टार्ट करेंगे अपना कलर्स दिखाना। बोल के एक्टर्स को चलो चलो अब चलो हमारे को उंगली कर दिया तो तुम लोग चालू। ए उंगली ने जंगली कर दी हमारी ब्रीफ है ये हमारा बैड जोक पे हमारा ये रिएक्शन होता है। नहीं वी आर गुड बॉयज, हम नहीं, हम फिर भी हंसते हैं। ओए बॉस बस करो यार, क्रैम्पर है। फॉर्मली आप अपने शब्दों में बयान जी क्या बयान करना शुरू करूं भाई? No, I think we've got a fantastic date, 16th of Feb for a film like ours, which is a buddy plus a romance film. और आप जैसा हम देख रहे हैं, हम जैसे अभी बिहेव कर रहे हैं वैसे ही हमने फिल्म में बिहेव किया है। वी हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिस फिल्म, और सबसे अच्छी बात यह है हमारी फिल्म के बारे में कि एक बहुत फ्रेशनेस है हमारी फिल्म में, जो आपको हमारे पोस्टर से भी पता चल रहा होगा, जो आपको हमारे ट्रेलर देख के भी फील हो रहा होगा कि इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म एंड इट्स अ न्यू पेयरिंग मेरी और तापसी की, एंड यू हैव इंटरेस्टिंग एक्टर्स ऑल अराउंड अस। सो मैं ये नहीं कहूँगा ये सिर्फ एक लव स्टोरी है, मैं ये कहूँगा ये एक जैसे एक वो फिल्म थी जाने तो या जाने ना, उस स्पेस की फिल्म है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट उस स्पेस की फिल्म है जहाँ फ्रेंड्स एवरीथिंग अराउंड अस इज एज इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज मी एंड तापसी। तो 16 फेब को आ रही है, और बाकी जो है मैं बाकियों के लिए पॉइंट छोड़ देता हूँ क्योंकि सब हम सब ने पॉइंट्स बनाए थे, 10 पॉइंट मैं बोल चुका हूँ, 12 पॉइंट टोटल है, तो अब दो हम इनके लिए छोड़ देते हैं। तू बिल्कुल रियल लाइफ में बिल्कुल सटल नहीं है। अच्छा पहले तो पता नहीं सारे मेरा नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे खुद के लिए चैलेंज था। वो कॉरली आधा रीजन तो मेरे पिक्चर करने का ये था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम मिला मुझे इस पिक्चर के, तो मैंने पिक्चर किया कॉरली इट परफेक्ट, मतलब पूरी पिक्चर में रिहर्स करूंगी कैसे बोलना है, और अभी तक ये सीख नहीं पाई है, तब से लेकर अभी तक रिहर्स कर रही है। तो नहीं एक सेकंड फोकस करना, जब ये कॉरली बोलती है इसकी आंख बंद होती है, बोल 1 2 3 गो। चुप कर कॉरली है कॉरली। हां तो इसके अलावा आई मीन जस्ट इन एडिशन टू व्हाटएवर साकिब सेड, वन थिंग दैट रियली रियली मेड मी फील एक्साइटेड अबाउट द फिल्म वाज शी वाज वर्किंग विद मी, शी वाज वेरी एक्साइटेड दैट शी वाज वर्किंग विद मी। नेम ऑफ द कैरेक्टर वाज द सॉन्ग्स, आई थिंक इतने प्यारे गाने वैलेंटाइन्स मंथ के लिए जो आपको आई डोंट थिंक कहीं और मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्स, यू हैव अ रोमांटिक नंबर, यू हैव गुरुज सॉन्ग, मतलब वो ही इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन एज एवरीबॉडी फील्स। थैंक्स यार, थैंक्स थैंक्स यार, थैंक्स। सो यू हैव अ गुरु वर्ड, नहीं चश्मा पहन के गुरु बन जाता है। मुझे अब भी याद है कि जब मैं जैकी से इस फिल्म के लिए मिला था, जैकी ने कहा था कि यार कुछ भी हो जाए आई विल गेट यू अ ग्रेट एल्बम, एंड आई थिंक जैकी तूने यार मतलब काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप सामने आओ ना, आपको ज्यादा अच्छा लगा, आप ज्यादा सवाल पूछो। कॉम्पिटिटर आ गए उधर से भी सवाल आ रहे हैं, सुमित आप बना ले कुछ बढ़िया सवाल तू। और ये मेरा चड्डी पहल है, ये प्रशांत मेरा चड्डी पहल है, जो हम बचपन में एक दूसरे की चड्डियां पहनते थे, बट इसकी हमेशा बड़ी होती थी यू नो फॉर ऑब्वियस रीजंस। ओके थैंक यू वेरी मच। सो या तू तो मत बोल, तू तो मत बोल, वी हैव सम रियली गो, अब हम एक बार शुरू हो जाएंगे तो वो पकड़ के ट्रैक पे लाना पड़ेगा। नहीं 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 वी कांट रिस्क इट हियर, या मतलब हमें अच्छे अच्छे आज अच्छे फॉर्मली, हमें बोला गया है कि मीडिया आ रही है तो तमीज से बात करने के लिए, तो हम बहुत बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो कपड़े भी नॉन ही दिए, वरना वहां है ही नहीं। ये देखो मैं बाउंसर लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ आज। मैंने अभिलाष को फोन किया, दैट्स अभिलाष, अभिलाष
He plays Prashant in the film. The name also, yeah. So, I told Abhilash that, bhai, tu wohi masti karna, lekin galiyan mat dena, please. Minus the galiyan. Yeah, minus the galiyan. Arre, bhais ki taang, maine kya kiya? ये आलिया सेन हमारी डायरेक्टर, द विजनरी डायरेक्टर। पहनावे और मेकअप से मत जाइए, एक्ट्रेस लगती है, बटरफ्लाई भी बनवा रखी है इन्होंने, बट ये हमारी पिक्चर की डायरेक्टर है। शी इज द कैप्टन ऑफ द शिप, शी इज मेड दिस लवली फिल्म, एंड दिस इज दीपशिखा। ऑफ कोर्स यू शुड नो हु शी इज, शी आल्सो अ प्रोड्यूसर ऑफ अ फिल्म। एंड और कोई बच गया है? नहीं, आपकी मूछें थी इससे पहले? इससे पहले नहीं, देखो ऐसी मूछें थी तो ऐसी गलत बात नहीं करनी है। Really good looking and very talented female directors nowadays. Yeah. So Alia, आपको क्या हो गया? So let's welcome another female director. Oh! Alia, आपको क्या कहना है अपनी फिल्म के बारे में? ये दिल जंगली क्यों है इतनी जंगली? तो मैं ऐसे जंगली लोग क्यों आपने लिखे हैं ऐसे अपनी स्क्रिप्ट? आपको जो है जितने कैसे गुजारे इनके साथ, इनकी लाइफ बन गई, लाइफ बन गई, लाइफ। कल रात को फोन करके कहती है मुझे, साकिब मेरी तो लाइफ बन गई तूने और तापसी ने फिल्म, ऐसा बोल रही। और आज इनको कैमरा क्या लग गए, फालतू बकवासें चालू हो गई है। फालतू पे ओनरशिप मेरी है भाई, वो तू रख। कॉपीराइट इश्यूज, कॉपीराइट इश्यूज। हां हां, सुमित हम सामने देख रहे हैं, तू सवाल पूछ ले। कास्ट, आई थिंक यू आल्सो मेक अ एक्सपीरियंस इन द फिल्म ना? नो, आई हैव डन अ अपीयरेंस इन अ सॉन्ग। यस यस, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि जैकी ने मुझे साइन किया पिक्चर के लिए, तो डांस था, तो जैकी ने कहा वो तो तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तो मैं आ जाता हूं। ऐसा नहीं है, मैंने दिया कसरत, कसरत, ऑफ कोर्स जैक, मैं तो जैक, इनफैक्ट मुझे क्योंकि इन्हें दौड़ बहुत रहा ना रेस में, आजकल रेस में बहुत दौड़ रहा हूँ और टिप्स ले रहा हूँ तोरानी से, तो आजकल तो बट आई एम सेइंग जैकी हेल्प मी आउट रियली, बिकॉज इसने बड़ा अच्छा जिम बनाया अपने घर पे, एंड ही टोल्ड मी कि यार तुझे वर्कआउट करना है, कभी भी आके मेरे जिम में वर्कआउट कर ले। तो हाँ, ऑफ कोर्स जैकी ने तो मेरी बहुत मदद की है इस फिल्म पे। जैकी मैं आऊंगा, मेरे को भी चाहिए। नहीं, तू जिम आके भी कुछ नहीं होगा तेरा। हाय गाइस, व्हाट्स अप, लव यू, लव यू, लव यू। जी serious stuff, or you know, film
think many actresses in our country can do that and pull it off, especially being a producer's son, when we know that, you know, getting audiences to the theaters is not an easy job anymore in the age of Netflix and Amazon. What you are doing is actually outstanding. तो मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तापसी की नाम शबाना रिलीज हुई थी तब हम शूट कर रहे थे और मैं पिक्चर देख के आया, उसके बाद मुझे तापसी से डर लगने लग गया। मैंने कहा हमारी पिक्चर में इतना प्यार व्यार करिए, प्यार मारते मारते लात मार दी तो मुझे बीच में, तो मुझे वो डर लग गया था। बट तापसी ने बड़ा अच्छा किया है, ये रोमांटिक जो किया है। अच्छा आराम से, डर लग रहा है। आलिया बताओ ना यार, बता क्यों नहीं रहे हो आप? बटरफ्लाई क्या बोल रहे हो? यू डोंट नो दिस? ओ माय गॉड, देखिए ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर में कैसी बात हो रही है। Yes, very young Jackie. आलिया बताइए, खुलासे ये कैरेक्टर आया कहाँ से और सुमित उप्पलकर कहाँ से, वो भी बताओ ना, जो अपनी रियल लाइफ से आपने हमें उतार के डाल दिया है। Very honestly, all the characters are from my real life. जब आप फिल्म देखेंगे तो जितने फ्रेंड्स हैं ये सब मेरे रियल लाइफ से हैं और इनका जो कैरेक्टर है वो तो बहुत ही क्लोज है। इतना क्लोज है कि पति इनका है। इतना क्लोज है। और मैं ये खुद हूँ, स्टोरी सेम हो ना हो, मुझे तो लगता है स्टोरी भी सेम है। ऐसे वो ऐसे ही तो नहीं हुआ, जो क्लाइमैक्स है वही तो नहीं हुआ था आपकी रियल लाइफ में, जो हमारी पिक्चर का क्लाइमैक्स है वैसे। काश काश, बट ये खुद ही है इनका खुद का वर्जन। इतनी स्पेसिफिक थी आलिया, ऐसे ही बाल चाहिए, यही चश्मा चाहिए, यही लुक होनी चाहिए। फूल को मारी थी मैं पूरी पिक्चर के अंदर, हर चीज में मेरे फूल था कहीं ना कहीं। आपसे इतना बनबोन, अगर उनको कैरेक्टर नहीं पसंद आया तो समझ जाएंगे मैं हूं द लेट मी फॉरएवर। मतलब हां तो यार, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आलिया निभाने की, क्वालिटी निभाने की। पर्सनल एंड प्रोफेशनल यार, मैंने ताए हो कैरेक्टर को लोग बिल्कुल पसंद करते, क्योंकि पूरे सुमित तुम बेस्ट हो यार, तुम मेरे फेवरेट हो। थैंक्स यार। अच्छा उस सुमित की बात कर रही है। अच्छा जी, ये फिल्म मैंने आई थिंक जब पिंक रिलीज हो रही थी उस समय स्टार्ट करी थी ये फिल्म करनी मैंने। एंड आई रियली वांटेड टू मिक्स एंड मैच माय मतलब फिल्म चॉइस ऑफ फिल्म्स। आप समझ लो जिस तरह से आप कह रहे हैं, आपको सबको ही पता है मेरे पास वो थोड़ी सी हैवी भारी भरकम वाली फिल्में बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाती हैं। बट ये इस तरह की फिल्में होना भी जरूर है एक एक्टर के लिए, क्योंकि मैं बार बार सेम चीज़ नहीं करना चाहती थी। तो कमर्शियल सेटअप के अंदर ही अगर मेरे को कुछ अलग का अलग सा करने को मिल रहा है, एक अलग लुक देने को और एक अलग कैरेक्टर करने को मिल रहा है, सो आई थिंक आई वांटेड टू यूज़ दैट। एक तरह सा थोड़ा सा लाइट हो जाता है माहौल अपनी करियर का भी, सो वो इसलिए मैंने। सी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई से दैट तापसी इज वेरी वर्सेटाइल, सो ऑल्सो एज अ डायरेक्टर इफ यू कैन see an actress do something which is different from what she's otherwise seen as is the biggest you can say high manza aata hai वैसे देखने में। And I think that when you see the film also people will think ki acha humne to Tapsee ko aise dekha nahi। Exactly, I think agar abhi tak aap log mere har look aur character se surprise hote aaye hain to is picture mein bhi hone wale hain, kyunki ye again ना भी क्लीशे साउंड करे बट आई होप आई हैव लिव्ड अप टू दैट लाइन सेइंग कि मेरा ये कैरेक्टर डिफरेंट होगा। अभी तक जब भी मैंने कहा है वो बात आई होप आप सब मानते हैं कि सही रही है, तो ये भी वही है कि मेरा ये कैरेक्टर सेम नहीं होने वाला, जुड़वा से नहीं सेम होने वाला, चश्मे बदूर से भी सेम नहीं होने वाला, इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो यू सी इन द थिएटर सून। आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द फैक्ट दैट मी आलिया एंड तापसी हैड डन अ सॉन्ग फॉर टी सीरीज तुम हो तो लगता है जो शान ने गाया था, एंड वी ऑल गॉट टू वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसे हमसे प्यार हो गया कि अब मैं पिक्चर बनाऊंगी तो इन्हीं के साथ बनाऊंगी। मैंने यार, बोलो बोलो बोलो। बहुत प्यार इनसे। तो I shot the video for 3 days and I actually believe that they were friends because हम सब दिल्ली से हैं, तो मुझे लगा ये लोग कितने अच्छे हैं बचपन से, कितने अच्छे हैं एक्टर्स। नहीं लगे थे मुझे लगा था बचपन के दोस्त थे। And later I got to know
that they had just met on my set. So that chemistry was so magical. Mm-hmm. It was just best to bring it on a feature film. Jackie, aap log solo aayenge 16 ko? Matlab, there is an English film called Panther. But yes, as a Hindi film, we are, as of now, we are solo. So that makes a difference? It always makes a difference because you get more theaters, you can release, you can have a wider release, and it always helps. And we are very lucky and fortunate that because 50 hafte hote hain, itni sari filmein hain, bahut rarely aajkal bade se bade actors ko bhi solo week nahi milta. So, you know, that's why we've jumped on this opportunity and decided to. And we're very lucky to have this. And it's film. A Valentine release because our film, you know, it's totally that like. Kind of product promise. दीपशिका बताए तो आपको क्या लगता है इन जंगलियों के बारे में? I think एग्जाम्स चालू होने के पहले जो 2 हफ्ते होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. सबको अपने फ्रेंड्स के साथ थिएटर जाना है, सबको देखना है पिक्चर. एंड आई थिंक वैलेंटाइन वीक से समथिंग व्हेन एवरीबॉडी गोज आउट इन लाइक बिग ग्रुप्स टू वॉच फिल्म्स. एंड आई थिंक फॉर अस दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फिल्मी वैसी है. सब ग्रुप के साथ जाएंगे, चाहे कोई कपल है चाहे कोई नहीं है, किसी के पास बॉयफ्रेंड है किसी के पास गर्लफ्रेंड है. कितने जंगली हैं इन लोग इस पिक्चर में. सो फॉर दैट वीक दिस फिल्म वाज एप्ट. इनफैक्ट इवन व्हेन वी वर प्लानिंग आवर रिलीज वी ऑलवेज वांटेड अ वैलेंटाइन वीक. सो आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर दिस इज द बेस्ट वीक आई कैन गेट. एंड टू हैव सच अ ग्रेट कास्ट थैंक यू द वे दे आर आई थिंक इट्स गोना रॉक. तालियां फॉर द कास्ट. यस जी. उमा सीन द ट्रेलर. ऑफकोर्स जिस दिन हमारा ट्रेलर रेडी हुआ था तो सो आई हैड इट, आई शोड इट टू हर एंड शी रियली लाइक्ड इट. शी हैजंट सीन द सॉन्ग बट शी सीन द ट्रेलर एंड शी रियली रियली एंजॉयज द ह्यूमर इन द ट्रेलर. बाकी तो अब वो ट्विटर पे कथा लिखेगी. उसने कहा है कि जो जैसी पिक्चर लिखती है वो ट्विटर पे बताएगी. आजकल ये हो गया ना, जो आजकल रिश्ते ही ट्विटर पे बन रहे भैया. आजकल मतलब बहन बोल रही है मैं ट्विटर पे बताऊंगी मुझे कितना अच्छा लगा है. बिकॉज ऑल्सो हुमा इज नॉट हियर, शी इज ट्रैवलिंग. So I didn't get to talk to her much before she left, but from whatever I gather, she really liked it. उसके बारे में तो बोल दिया ना मैंने, कर दिया पूरा शो. I think I'm pretty vocal about whatever I feel, and time to time मैं बोलती रहती हूँ. So वो जो था वो, अब शो देख लो पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ. What show is this? Troll Police. अच्छा वो. इनको इनको ये एक्टिंग करने में मायर है. ये ट्रोल पुलिस के बारे में पब्लिसिटी करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे. आई गो वॉच दैट शो, गो वॉच दैट एपिसोड, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट ट्रोल्स एंड व्हाट आई वांट टू से अबाउट ट्रोल्स. सो एक बार वो देख लो एपिसोड, काफी है. या मैं भी देख लेता हूँ, मैं तो काफी ट्रोल हूँ लाइक. हाँ प्लीज जैकी, आई थिंक यू शुड गो ऑन दैट एपिसोड. या लाइक वन ऑफ द शोस. या स्पेल चेक की वजह से वो तो बड़ा फेमस हुआ था. क्या बोल रहे थे बताओ आप, वो तो आप ही बताओगे ना क्या बोल रहे थे. अगर आपकी बातें हम करने लगे तो कैसे होगा. नहीं, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तापसी शादी कर रही है, तापसी कोई शादी नहीं कर रही है अभी. मैं शादी नहीं कर रही हूँ, प्लीज प्लीज मैं शादी नहीं कर रही हूँ. कभी भी, अभी कभी भी नहीं कर रही हूँ, नियर फ्यूचर में नहीं कर रही हूँ. जब भी करूंगी आप लोगों को बता दूंगी. जब भी करेंगे हम आपको बता देंगे. I mean, तापसी आपको बता देगी. अब जब भी करेंगे बता दूंगी, बट अभी कभी नहीं हो रही है. मतलब अभी नियर फ्यूचर में नहीं. सुनिए, मेरी तो हो चुकी है. खोल के शादी करेंगे. हमारी दुआएं रहेंगी, शुभकामनाएं रहेंगी. हां प्लीज ब्लेसिंग्स. आप अभी पिक्चर के लिए ब्लेसिंग दे दो यार. पहले मैं पता है आपको 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक क्या हाल रहा था हमारा, तो इसीलिए रिक्वेस्ट है. हां मैं इसमें वन ऑन वन आप हमारा कंधा दूंगी तुम्हारे को. तुम रोना मेरे कंधे के ऊपर, कितना बुरा हाल था तुम्हारा वो 10 दिन. बहुत बुरा लगा तुम्हारे को. मैं समझ रही इमोशंस आपके में बहुत समझ रही हूं. मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगी. नहीं, मैं वचन देती हूं. ठीक है. Thank you. No, we shouldn't tell them. That's. Should we? Brown tere balo da color soniye. Tere balo da color soniye. Hawa vich jaande ni chillar soniye. Chhad di jawani jaise miller soniye. प्लीज मेनू तक लेना, ओ सोनी कुड़ी नच लेना, ओ बेबी मेरी नच लेना,
और मेरे नाल नच लेना टुनू टुनू बहुत गंदी आवाज है भाई। सॉरी गुरु, वी लव यू, यू सिंग रियली वेल, और उसी को गाना चाहिए गाना। हमने आपको वर्ड, एक और हमारा बहुत गाना है जिसके लिए हम आप लोगों को वापस बुलाने वाले हैं, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। वैलेंटाइन एंथम है हमारे पास, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैकी तू कब कर रहे शादी? सून, सो गाइस जैकी इज गिविंग यू एक्सक्लूसिव सेइंग ये शादी बहुत जल्दी कर रहा है, तो आपसे जल्दी मिलना ही होगा। जैसी लड़की मिल जाए, ये आर्टिकल बाहर आ गया, माय मॉम विल बी द हैप्पीएस्ट। सब कुछ रेडी है लड़की, मैंने आप लड़की कपड़े शादी वेन्यू सब कुछ, मंडप रेडी है, पंडित बुला लिए है, बहन का स्ट्रेस, मैंने कह दिया कि ये बहन बोली, स्पोक लाइक अ ट्रू सिस्टर। मैंने अपने मॉम को कह दिया कि जिस दिन सलमान भाई की शादी हो जाएगी मैं अगले दिन कर लूंगी। ये सारे लड़के यही क्यों बोल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो गाइज, लगता है जैकी की शादी में हम आएंगे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा होने वाली जैकी की शादी। ऐसे मत कह, सब हमारी पार्टी की क्या है कि मैं वैसे क्या था, शादी इसलिए होती है कि आप कभी कभार यहाँ वहाँ भाग जाओ, मैं तो वो भी नहीं कर सकता बिकॉज मेरा सर ने मुझे अलाउ नहीं करता। अरे भगना नहीं है, भगना नहीं है, जब तक वो मेंटल स्टेट में नहीं आएगा शादी नहीं कर सकता। Thank you guys, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.